मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खुशखबरी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। नादरीन, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। हुकूमत का तनख्वाह और पेंशन में 25% इजाफा तजवीज़। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे का फैसला। नादरीन, अगलामी बजट 2024-25 में तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। तो नादरीन, अगलामी खबर की जानिब से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत का मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन में इजाफा करने का फैसला। तनख्वाह और पेंशन में 25% जबकि मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा करने की तजवीज़ पेश। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 25% इजाफा करने, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा करने जैसी तजावीज़ शामिल कर ली हैं। एक बाखबर दराय ने यह भी बताया है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 25% अबूरी इजाफा किया जा रहा है। सिर्फ 25% अबूरी इजाफा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से माली साल 2024-25 का बजट की तैयारी का सिलसिला शुरू होते ही सरकारी मुलाजमीन की तरफ से तनख्वाहों में इजाफे के लिए जगह जगह इजलास और एहतजाज का सिलसिला भी जोर पकड़ने लगा है। और मुल्क में महंगाई को मद्देनजर रखकर मुलाजमीन वफाकी हुकूमत से तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा करने का मुतालबा कर रहे हैं। तहम इस हवाले से बताया गया है कि अनुसार बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 25% इजाफा किया जा रहा है, जिसके साथ साथ मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस भी डबल किया जा रहा है। मगर बाज़ ज़राए का कहना है कि अनुसार सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ 25% अबूरी इजाफा किया जा रहा है।